केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा जहां किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है तथा जिससे किसानों को खेती करने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके तथा किसानों की आय में वृद्धि हो सके, लेकिन शासन के निर्देश के बाद भी जमीनी स्तर पर धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद चंदौली में किसान परेशान है। आपको बताते चले कि सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिससे नाराज किसानों ने जर्जर नहरों की साफ सफाई तथा जर्जर नहर क्षतिग्रस्त हो जाने से नाराज किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम लोगों का जो है, अगर ये नहर चंद्रप्रभा प्रखंड मुगलसराय चंदौली के अंतर्गत पथरहमा राइट माइनर दूती जो कि गरला गांव में स्थित है, यहां से कम 500-600 बीघा का खेती होता है, पानी जाता है इससे, और नहर की ऐसी जर्जर अवस्था हो गई है कि जिससे इस साल रोपनी भी नहीं हो पाएगा। हम किसानगढ़ कई बार उच्च अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग के कोई भी अधिकारी मौके पर आना उचित नहीं समझ रहे हैं। जब खेत से मिट्टी मिलना रहता है तब ये लोग मिट्टी ही नहीं लेते हैं, जब खेत में जैसे ही पानी भर जाता है तो बहाना रहता है कि नहीं मिट्टी नहीं मिल पा रहा है, मिट्टी कहाँ से करेंगे, रग्गी होने दीजिए, यही सब समस्या चल रहा है। अगर हम किसानों का जल्द नहर निर्माण नहीं कराया गया तो हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे और बात